कंपोजिट बोर्ड में या नहीं आएगा, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, और जो आपके बोर्ड्स में आने हैं उस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये विजिबल नहीं होगा, ये दिख रहा है सभी को, फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। ओके, हाँ, कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये डिलीट हो गया इस बार, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे उसमें, क्योंकि आपको बहुत सारे, आपको ये भी देखना होगा कि सीबीएसई ने वही पार्ट्स डिलीट किए हैं जिसका यूज आपको आगे मिलना है। ओके, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि आप कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे और आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस करने लगेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, या किसी दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे। तो कंपोजिट फंक्शन बहुत बेसिक फंक्शन है और उसका हमें देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन से। ओके, डी ऑफ डी एक्स एक्स टू द पावर एन, गुड, दिस विल बी एन टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन। आपके सामने एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके चलने पड़ेंगे क्या, से येस और नो? आप कहेंगे तो हम एक एक दो एग्जाम्पल्स कराते जाएंगे कि कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको ये चाहिए? ओके, दैट्स कूल। तो देखिए, एक्स टू द पावर एन को एक एग्जाम्पल में लेते हैं। अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है डी ऑफ डी एक्स रूट अंडर एक्स का, रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स का मीनिंग होता है एक्स टू द पावर हाफ। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स, स्क्वायर रूट एक्स को हम लोग लिखेंगे एक्स टू द पावर 1/2। अब ये जो है 1/2, ये एन की तरह वर्क करेगा यहां पर। गुड प्रत्युष राज, राइट आंसर। तो दिस विल बी, हमने क्या बोला, 1/2 इंटू एक्स एक्स एन माइनस वन, एन के प्लेस पर कितना है, हाफ माइनस वन, हाफ माइनस वन, दिस विल बी हाफ एक्स टू द पावर, ये माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ। अगर पावर नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये वैल्यू 1/2, और दिस इज 1/√ ऑफ एक्स, ठीक है। आया सभी को समझ में, से यस और नो, और रेज योर हैंड इफ यू गॉट दिस पॉइंट, यू कैन रेज योर हैंड, गुड। तो आपको ये समझ में आ गया, दैट मींस एक्स टू द पावर एन, तो हम आपको एक फंक्शन दे रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन करके बताइए, वाई इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 7/8। इसका आंसर कमेंट कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन आपको फाइंड आउट करना है डीवाई बाई डी एक्स। डीवाई बाई डी एक्स इज वॉट, कमेंट योर आंसर। सेवन, अनिकेत एक बार आंसर चेक कीजिए प्लीज अपना, 7/8 एक्स टू द पावर 1/8, 1/8 इज करेक्ट, आई थिंक इट्स इनकरेक्ट। प्रत्युष राज प्लीज चेक योर कैलकुलेशन, अनिकेत प्लीज चेक वंस अगेन, प्रीति मिली, आदित्य हैज गिवन, गुड, आदित्य हैज गिवन करेक्ट आंसर। आई थिंक प्रत्युष राज ने एक मिस्टेक कर दिया, उन्होंने कैलकुलेशन मिस्टेक किया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं है बट उनके साथ। तो
तो देखिए हमने बोला कि अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स, तो अब हम देखिए बार बार लिखेंगे नहीं, n टाइम्स ऑफ n के प्लेस पर 7/8 मिली मिली, आप अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए, देखिए ये 1 नहीं है 7 है, दिस वन इज 7, 7/8 ओके, तो दिस विल बी n टाइम्स ऑफ दैट मीन 7/8 इनटू x टू द पावर n, x n के प्लेस पर 7/8 एंड माइनस 1 ओके क्लियर है, दिस विल बी 7 टाइम्स ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 8 x टू द पावर, देखिए एलसीएम 8 होगा तो 7 माइनस 8 इज माइनस 1, दिस विल बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8, क्लियर है सभी को, से यस और नो, प्रीति अपने कैलकुलेशन को वही तो आपने माइनस 1/8 लिखना था बट आपने 1/8 लिखा है, प्रत्युष राज अच्छा नीचे लिखा, नीचे वही है ओके ओके दैट्स फाइन गुड, तो सभी को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट ओके ओके मिली, नेक्स्ट वन नेक्स्ट में ट्राई कीजिएगा आप, तो x टू द पावर n वाले पर कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं d ऑफ dx, ये दूसरा फॉर्मूला होगा, दिस वन इज फर्स्ट वन, दूसरा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देख लेते हैं, d ऑफ dx sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, गुड प्रत्युष राज, d ऑफ dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस विल बी माइनस ऑफ sin x, क्लियर है, फोर d ऑफ dx tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x, प्रीति गुड sec स्क्वायर x प्रत्युष गुड गुड रितु गुड, अगर आपको आता है तो आप अपना रिकॉल कर सकते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं वो फिर से लिख लीजिए एक बार, आई थिंक आपने पढ़ा होगा तो इतना जानते होंगे, d ऑफ dx cos x का क्या cot x का क्या होगा, cot x आंसर प्लीज गुड रूपाली, इसका होगा माइनस cos x स्क्वायर x, आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि जब भी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं और अगर वो सीओ से स्टार्ट हो, अगर उसका फर्स्ट टू लेटर सीओ हो दैट मींस वहां पे माइनस साइन जरूर होगा ठीक है, ये आप एक रिकॉल करने के लिए रख सकते हैं, तो cot x जो होगा माइनस cos x स्क्वायर x होगा ठीक है, सिक्स नंबर d ऑफ dx sec x, sec x का क्या होगा, तो इसका होगा sec x इंटू tan x, और लास्ट वन इज सेवेंथ नंबर d ऑफ dx cos x, तो इसका होगा माइनस cos x इंटू cot x ठीक है, क्लियर है इतना गुड रितु गुड अनिकेत दैट्स फाइन, यानी कि आपको बेसिक फॉर्मूले याद हैं गुड, अब लॉगरिथमिक फंक्शन का देख लेते हैं, d ऑफ dx log x, आपको यह ध्यान देना होगा कि यहां पे log जो है वो नेचुरल बेस के साथ होगा, दैट मींस इसका बेस जो होगा वो e होगा, ये नेचुरल log होता है ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1/8 होगी, सॉरी 1/x होगी, दैट्स क्लियर ओके ओके गुड प्रत्युष राज
गुड, हम आपसे एक एक डिफरेंशिएशन यहां पे पूछते हैं, आंसर कीजिएगा। अगर आपको दिया हुआ है डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स टू दी बेस 8, इसकी वैल्यू क्या होगी? इरेज कर दें, ये नीचे वाले इरेज कर दें, से यस और नो। गुड प्रत्युष राज, गुड गुड आंसर 1/8। अनिकेत, इनकरेक्ट आंसर है ये, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इन नेचुरल लॉगरिथम एक्स टू दी पावर 8, गलत है आदित्य। और लोग रिप्लाई करें, रितु, अदिति, शना, मिली, प्रत्युष राज, नहीं नहीं गलत है प्रत्युष, इस तरह से। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक लॉगरिदम की प्रॉपर्टी देखनी होगी। लॉगरिदम की प्रॉपर्टी यह होती है कि अगर आपको x टू द बेस a दिया होगा, ध्यान दीजिएगा यहां पे, यू हैव टू गिवन log x टू द बेस a, ओके। और अगर आप इसका बेस चेंज करना चाहते हैं, आप कोई भी बेस चाहते हैं, चाहे वो e हो, 10 हो, कोई भी, तो आप इसको करने के लिए आप ये करेंगे, दिस log m by n को, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log x डिवाइडेड by log a। अब इसका जो बेस वाला जो प्लेस है, बेस वाला जो प्लेस है वो क्या हो गया, वैकेंट हो गया है, ठीक है। ये आप प्रॉपर्टी जानते होंगे कि log m टू द बेस n अगर आपको गिवन है तो यू कैन राइट इट एज log m डिवाइडेड by log ऑफ n, ये लिख सकते हैं। अब इसमें इस फॉर्मूले में ये होता है कि इसका जो बेस वाले प्लेस है वो वैकेंट हो जाते हैं, और उस वैकेंट प्लेस पर आप जो चाहे वो फिल कर सकते हैं। हमें क्या फिल करना है, इसको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो ई होता है, तो यू कैन मेंशन हियर ई। आपको ध्यान ये भी देना होगा कि दोनों जगह ई ही बेस आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे ई ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है, दैट्स कूल। 8/ नो नो प्रत्युष राज, अभी भी गलत आंसर है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्लियर है, से यस और नो फॉर दिस पॉइंट, ये क्लियर होगा कि नहीं? गुड गुड वन, ये क्लियर है। तो अगर ये क्लियर है तो देखिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं डी ऑफ डी एक्स, दिस विल बी लॉग एक्स टू द बेस, सॉरी लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग। अब हमें ई बेस देना है, हमने ई बेस यहां दे दिया, ई बेस यहां दे दिया, और इतना तो आप जानते होंगे कि अगर डी ऑफ डी एक्स अगर किसी कांस्टेंट के साथ फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, किसी कांस्टेंट के साथ फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है तो कांस्टेंट बाहर हो जाता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है और डिफरेंशिएशन सिर्फ फंक्शन का होता है। तो हम यहाँ पे ये जो पार्ट है ये कांस्टेंट का पार्ट है, ये पार्ट कैसा है, कांस्टेंट का। कैसे पहचानेंगे कि ये कांस्टेंट है, बिकॉज यहां पे कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ है, दैट्स फाइन, यहां पे कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। गुड, नाउ प्रत्युष राज हैज गिवन करेक्ट आंसर, गुड। तो यहां पर ये कोई वेरिएबल यूज नहीं हुआ है इसलिए कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर चला आएगा, दिस इज लॉग 8/8 टू द बेस ई, और इसको हम, इसका डिफरेंशिएशन अब आप जानते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1/x होगा, ठीक है। अब अगर इसको हम फिर से ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं log, अब जैसे ऊपर जाएगा तो ये यहां पर और ये यहां पर चला आता है, दिस विल बी 1/x, तो वी कैन राइट इट एज log e टू द बेस 8 टाइम्स ऑफ 1/x, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? Is that clear for everyone? Say yes or no. Good. That's cool. Good. सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, अच्छा क्लियर है। तो अब हम आपको एक देते हैं और अब हमें आंसर सही आना चाहिए, ठीक है, इरेज कर दें। Good. Now I will give you
वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स लॉग एक्स टू बेस टेन. टेन बेस लिया हुआ है अभी हमें, ये कॉमन लॉगरिदम है टेन बेस पर. अब आपको इसको नेचुरल लॉगरिदम में कन्वर्ट करके ही आप इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है. सो इसका आंसर कमेंट कीजिए जल्दी. मैं सभी से इसका आंसर एक्सपेक्ट करता हूं, तो सभी लोग इसका आंसर दीजिएगा. वन बाय नो कुंदन, कुंदन अंस अगेन यू आर मेकिंग मिस्टेक्स. लॉग टेन ई बाई, एक्चुअली हो सकता है आपको एक्सप्रेशन में गलत, अनिकेत आई थिंक आपने लिखने में गलती किया है. इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक बट करेक्ट आंसर. गुड प्रत्युष राज, गुड. वन बाई एल एन टेन, या ऑफकोर्स यू कैन राइट वन बाई एल एन टेन, बट उसको वन बाई ना करके ऊपर ले जाके लिखेंगे वो ज्यादा क्लियर रहेगा. और लोग कमेंट कीजिए, मिली सना अनिकेत. गुड लॉग विद बेस 10 वन बाई एक्स, लॉग ई विद बेस 10. गुड मिली वन बाई लॉग 10, नहीं बेटा वन बाई लॉग 10 नहीं होगा, या तो आप एल एन 10 लिख सकते हैं. अनिकेत अनिकेत एक बार फिर से आंसर कमेंट कर दीजिए. अदनान महफूज गलत आंसर है, आपने फिर वही मिस्टेक्स कर दिया. वन बाई एल एन 10 कुंदन को शायद लिखने में टाइपिंग मिस्टेक हुआ है. वन बाई एल एन 10 इंटू वन बाई एक्स लिखेंगे, ठीक है. लॉग 10 बेस ई वन बाई एक्स. अनिकेत एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है. आई थिंक कुछ लोग को मिस्टेक्स हो रही है. देखिए यहां पर हम इसी से क्लियर करते हैं, इसको हम लोग लॉग 10 लॉग एक्स, लॉग एक्स डिवाइडेड बाई लॉग 10 लिख सकते थे. इज दैट क्लियर. और हमें बेस ई चाहिए, हमने बेस ई दे दिया दोनों साइड, दोनों पर बेस ई रख दिया. अब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट हुआ, तो ये 10 के जगह 8 के जगह पे बस 10 कर देना है. तो दिस विल बी द फाइनल आंसर. क्या होगा? log e to the base 10 into 1 by x, या आप इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते थे 1 by this will be ln 10 ln 10 into 1 by x. तो इन दो फॉर्म में जिन्होंने आंसर दिया है उनके आंसर करेक्ट है. प्रीति गुड, अदिति आपने शायद टाइपिंग मिस्टेक्स की हुई है. ओके कुंदन यू हैव आल्सो मेड अ मिस्टेक्स and it's a typing mistakes. okay, so I think is that clear for everyone. ki ek aur question dena padega, say yes or no for one more question. clear hai, good. aur log bhi comment kijiye, good one. to aage hum log dekhte hain next formula. okay, तो अब देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी ऑफ डी एक्स ए टू द पावर एक्स. एक है, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं. स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई टू द पावर एक्स होता है, ठीक है. बट यहां पे हमने कोई भी बेस लिया हुआ है, बट ये ऑब्वियसली हमारा ए जो होगा दिस वुड बी ग्रेटर देन जीरो. बेस हमेशा जीरो से बड़ा होगा, इट कैन नेवर बी जीरो और निगेटिव. ओके दैट स्कूल प्रत्युष, ए टू दी पावर एक्स इंटू एल एन ए होगा इसका, या लॉग ए टू दी बेस ए. गुड रितु गुड, ठीक है. यहां पे क्लियर है. अब इसी को डी ऑफ डी एक्स ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन करते हैं. तो देखिए इसी बेस पर कर सकते हैं, ई टू दी पावर एक्स इंटू एल एन ई. एल एन ई को क्या हम लिख सकते हैं?
एल एन ई लिखना चाहिए था, बट दिस एल एन ई कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, क्योंकि एल एन में बेस ई होता है, तो ये कोई भी लॉग जिसका बेस और ये नंबर दोनों सेम हो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, तो ये वन हो गया और ये e टू द पावर x, तो इसका जो डिफरेंसिएशन है वो एज इट इज e टू द पावर x हो जाता है। गुड प्रत्युष राज, अनिकेत, रूपाली, अनिकेत यही हो, ये गुड, ठीक है, तो ये भी क्लियर है आपको d ऑफ dx। जिन्होंने नहीं लिखा है या जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो फॉर्मूला लिख लेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग देख लेते हैं d ऑफ dx साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आंसर कमेंट कीजिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, सिर्फ एक दो लोग के ही आंसर्स आ रहे हैं। प्रत्युष गलत है, एक बार फिर से चेक कीजिए, नो नो अदनान गलत है ये, नाउ रूपाली हैज गिवन करेक्ट आंसर, गुड, गलत है निकेत, प्रत्युष आपने थोड़ा सा गलती कर दिया, दिस विल बी वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है, क्लियर कर लीजिए, डी ऑफ डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स दिस विल बी वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी ऑफ डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, कमेंट योर आंसर प्लीज, कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, गलत है प्रत्युष, कुंदन आपने इसका आंसर दिया होगा तो ये गलत है, ये ऊपर वाले का आंसर है, वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, अभिषेक हाँ ऊपर वाले के लिए सही था, गुड, कुंदन ने सही आंसर दिया है, प्रत्युष गलत, गलत आंसर है प्रत्युष, रूपाली ऑल्सो हैज गिवेन अ करेक्ट आंसर, दिस विल बी माइनस एन, यही डिफरेंशिएशन होगा, बस साइन का सिर्फ डिफरेंस होगा, तो आपको माइनस साइन सिर्फ लगाना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, ये माइनस साइन अंदर नहीं जाएगा, तो आप ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन लिख दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, ये कैसे आया, अच्छा या हमें फिर से वहां पे जाना पड़ेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल पे जाना पड़ेगा, ये आपको अगर ये क्लियर है तो एक फॉर्मूला ये होता है, एक बार देख लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू होती है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे, बट उन्होंने पूछ लिया तो अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे नहीं जाएंगे, यहां से हम लेके चले आ सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है, तो कॉस इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होगी यहां पे वो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स होती है, ठीक है, माइनस पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स होती है, अब अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए डी ऑफ डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, पाई बाई टू का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस, अगर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं तो ये होता है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो माइनस साइन वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, रुचि इज दैट क्लियर नाउ, रुचि राज इज दैट क्लियर, गुड, तो ये फॉर्मूला, अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज फिर हमारा जो पार्ट है आगे कंपोजिट फंक्शन का वो डिले होगा, ठीक है, अगर आपको ऐसा चाहिए तो मैं इसका प्रूफ आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, एक बार आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का, ओ फिर हमें उस पे जाना पड़ेगा आई थिंक,
उसका प्रूफ देना पड़ेगा आपको साइन इनवर्स एक्स का। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, याद होगा आपको। यहां पर अभी जो फॉर्मूला हमने लिखा था, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, उसका यूज करना पड़ेगा वहां पे साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए अगर आपको चाहिए तो हम लिख देते हैं, इसका प्रूफ चाहिए, से येस और नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, तो हम देखिए देते हैं उसका प्रूफ। टेन एक्स कॉस एक्स इन सब का भी देना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स। ओके, तो हम एक का देते हैं बाकी का रख देते हैं, ठीक है, हम एक का प्रूफ करते हैं आपके सामने। ओके, लेकिन इसके प्रूफ में एक और प्रॉब्लम आएगी आपको। आपने भी साइन इनवर्स के बारे, ये आपको फॉर्मूले तो याद होंगे आई थिंक, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला क्लियर होगा सभी के पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इन सबका फॉर्मूला तो क्लियर होगा। से येस और नो, पाई बाय टू, व्हाट पाई बाय टू, हमने साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ध्यान रहे एंगल शुड बी सेम, एंगल सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो पाई बाय टू वाला जो फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, नॉट कॉस इनवर्स एक्स, गुड प्रत्युष, गुड। तो अब हम एफ एक्स मान लेते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स है और हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है। तो देखिए डी ऑफ एफ डैश एक्स लिख देते हैं सिंपली, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होती है वो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच टेंडिंग टू जीरो साइन यहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये फॉर्मूला भी आपने देखा है कि किसी भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है एट एनी जनरल पॉइंट एक्स, ये होता है, ठीक है। दिस विल बी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस इज साइन इनवर्स। देखिए अब एक्स के प्लेस पर आपको एक्स प्लस एच लिखना होगा, तो दिस विल बी एक्स प्लस एच माइनस साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर है, इतना इतने में क्लियर है, से येस और नो। अभी हमने कुछ नहीं किया है, जो बेसिक डेफिनेशन है डिफरेंसिबिलिटी का वो हमने सिर्फ फॉर्मूला यूज किया है, गुड क्लियर है। नाउ वी कैन राइट इट एज लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। अब आपको साइन इनवर्स एक्स ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस यहां माइनस है ना, माइनस साइन इनवर्स वाई। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस सर लिखिए, इसका फॉर्मूला याद है आपको, गुड प्रत्युष ने सही आंसर दिया है, गुड। तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स, जैसे आप बोलते हैं साइन ए इंटू कॉस बी, इसको कॉस बी की तरफ ट्रीट करेंगे, तो अगर साइन की वैल्यू वाई होगी तो कॉस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर होगी, और ये माइनस है तो माइनस फिर वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा इसका, ठीक है। तो उसी का यूज यहां पे करेंगे हम, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है। तो अब यूज करते हैं हम लोग यहां पे, देखिए इसको लिखेंगे हम लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ देखिए एक्स, एक्स लिखा था, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर,
वन माइनस एक्स स्क्वायर नाउ प्लस 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 नहीं माइनस होगा माइनस एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स प्लस एच टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच. ठीक है, क्लियर है? साइन इनवर्स एक्स इंटू स्क्वायर रूट, गुड, करेक्ट है. इतने में किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है, गुड. अब देखिए डायरेक्ट यहां पे रखेंगे तो हमें कुछ एजम्पशन लेने पड़ेंगे. ठीक है, हमें मानना पड़ेगा कि ये साइन इनवर्स समथिंग ये थीटा होगा, या कुछ वैल्यूज ले लेते हैं. एक्स की वैल्यू कुछ एज्यूम कीजिए. क्या एज्यूम कर सकते हैं? साइन थीटा ले. एक्स की वैल्यू अगर साइन थीटा लेते हैं तो वन माइनस साइन थीटा. तो देखिए हमें लेना पड़ेगा कुछ, लेट से एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा. एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा हमने मान लीजिए लिया, तो क्या होगा यहां पे फॉर्मूला? स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? ये कॉस एक्स हो जाए, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, तो यहां पे ये सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा हमें. ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन लेने के बाद फिर लिमिट इंपोज करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर लिमिट लेते हैं तो ये एच ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. ठीक है, तो साइन ऑफ एच तो यहां पे ले लेते हैं. यहां पे ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज साइन, ये कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस एच. ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, दिस विल बी साइन इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा? देखिए हम इससे इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स इंटू वन माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स प्लस एच स्क्वायर. ठीक है, तो एक्स प्लस एच को भी एज्यूम करना पड़ेगा. एक्स प्लस एच को अगर हम साइन थीटा ले लेते हैं और ये कॉस थीटा ले लेते हैं, तो एक्चुअली लेंदी जाएगा ये कन्वर्ट करने के बाद. ठीक है, हम आपको इसका ग्रुप में ही इसका वो पोस्ट कर देंगे. ठीक है, इसके जो प्रूफ है ग्रुप में, क्योंकि ये इसके बाद लेंदी जाने वाला है. ठीक है ना, ओके, तो हम आगे ही कंपोजिट फंक्शन का देखते हैं. ठीक है, ओके ओके, बिकॉज ये लेंदी जाएगा इसलिए यहाँ पे रोकना पड़ेगा, बट इसी इसी फॉर्मूले से होगा, इसी प्रोसीड से प्रोसीजर से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा. ओके, सो दैट्स कूल. अब आगे हम लोग देखते हैं टेन इनवर्स. आई थिंक प्रत्युष ने इसका आंसर भी कमेंट कर दिया था. टेन इनवर्स डी ऑफ डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ये होगा वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ डी ऑफ डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, cot inverse x, okay, cot inverse x, ये भी minus sign के साथ ये हो जाएगा. ठीक है, sec x लिखा है आपने, sec inverse x ना, good good, that's fine. हाँ, तो प्रत्युष ने सभी आंसर सही दिए हुए हैं. ओके, डी ऑफ डी एक्स
sec inverse x, sec inverse x, this will be 1 by square, 1 by mod, this will be a square root of x square minus 1. ओके, अपने स्क्वायर रूट नहीं लगाया है क्या? गुड, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर. प्रत्युष, शायद आपने टाइपिंग एरर किया है. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होगा वो. ठीक है, लेट्स चेक योर आंसर प्लीज. और कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू जो होगी माइनस साइन वन बाई मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो आपको अगर एक फॉर्मूला याद होगा इसका, तो इसका जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक दूसरे के हैं, एक दूसरे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री किस दो एंगल को बोलते हैं जिनका सम, गुड, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं जिन दो एंगल का सम पाई बाई टू हो, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पाई बाई टू होती है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इसकी वैल्यू पाई बाई टू होती है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इसकी भी वैल्यू पाई बाई टू होती है. तो ये तीनों कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर तीनों में से एक फंक्शंस के हम लोग डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं या डिफरेंशिएशन देख लेते हैं क्या होता है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो वैल्यू है वो निगेटिव साइन के साथ आ जाता है. ठीक है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, से यस और नो. ओके, गुड. सो आई थिंक जितने भी बेसिक फंक्शंस हैं उसके हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देख लिए हैं. ठीक है, अब एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं. दैट मींस अगर हमें यहाँ पे तो सिंपली फंक्शंस थे, एलजेब्रा का मतलब होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं एलजेब्रा ऑफ रियल नंबर, तो एलजेब्रा ऑफ रियल नंबर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि रियल नंबर का एडिशन किस तरह से होता है, सब्ट्रैक्शन किस तरह से होता है, डिवीजन किस तरह से होता है, मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होता है. तो उसी तरह इसका भी अपना एक एलजेब्रा है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट द एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, गुड, 2 + 2 = 4, एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन. एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो इसका एलजेब्रा देख लेते हैं. सपोज कि आपके पास एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन लेंगे हम लोग. ठीक है, तो डी ऑफ डी एक्स ये एडिशन का एलजेब्रा होगा, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स. देखिए, जो हम लोग बोलते हैं ऑपरेशंस, ये जो जो मल्टीप्लीकेशन हैं, डिविजन्स हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये एक तरह के क्या है, ऑपरेशन है. इनको बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं. बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि आप एक समय में एक साथ सिर्फ और सिर्फ दो नंबर को ऐड कर सकते हैं. लेट सपोज कि आपको तीन नंबर ऐड करना है, 2 + 3 + 5, सपोज कीजिए आपको तीन नंबर ऐड करना है, तो आप इस तीन नंबर को एक साथ ऐड नहीं कर सकते हैं. आपको तीनों नंबर को ऐड करने के लिए पहले कोई दो नंबर ऐड करने पड़ेंगे. इफ अगर हम बोलेंगे 2 + 3 = 5, देन अगेन 5 को ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये बाइनरी ऑपरेशंस कहलाते हैं. बट ये माइनस साइन जो है ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता, ये ध्यान रहे. ठीक है, दिस माइनस साइन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. तो इसलिए माइनस साइन क्या होता है, ये कोई बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. तो माइनस साइन इज अ काइंड ऑफ एडिशन. ठीक है, सब्ट्रैक्शन कोई ऑपरेशन नहीं होता है. ओके, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको. तो यहाँ पे इसलिए हम लोग दोनों की प्रॉपर्टी को एक साथ देख सकते हैं, बिकॉज जो प्रॉपर्टी एडिशन फॉलो करेगी वही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करेगी. ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन. तो इसका जो फॉर्मूला होगा, दिस विल बी डी ऑफ डी एक्स. हम लोग क्या करेंगे, पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एफ एक्स
प्लस डी ऑफ डी एक्स, दिख रहा है इधर नहीं दिख रहा है, इधर कर लीजिए, डी ऑफ डी एक्स जी एक्स। अब चूंकि डिफरेंशिएशन को लो डैश से भी डिनोट करते हैं, तो अपने नोटेशन को थोड़ा हम इजी करते हैं, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स बोल सकते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे, जी डैश एक्स बोल सकते हैं, ओके। और इसका हम लोग एक्सप्रेशन ऐसे दे सकते थे, दिस इज एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, यहां पे भी डैश दे दिया, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा ये बड़े बड़े एक्सप्रेशन से छुटकारा पा जाएंगे, इज दैट क्लियर। क्या करेंगे, एफ एक्स प्लस माइनस जी जी एक्स, इसके डैश का, इसका डैश चाहिए, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, तो एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। तो हम इसी नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है, डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स का डैश, यानी दो फंक्शन जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है उनका डिफरेंशिएशन चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे लेबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको लेबनीज रूल बोलते हैं या प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लेबनीज एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने सबसे पहले ये रूल दिया था, इसलिए उनके नाम पे भी ये रूल जानते हैं, ओके। तो यहां पर हम पहला फंक्शन बाहर कर देते हैं, एक फंक्शन, आपको ये सोचना है एक फंक्शन को लीव करना है दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस जिसको लीव किया था अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था उसको लीव कर देंगे। तो एफ एक्स का को लीव कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स दैट मीन्स जी डैश एक्स लिख देंगे, और प्लस अब देखिए एफ एक्स को हमने लीव किया था तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो दिस इज एफ डैश एक्स, और जिसका डिफरेंशिएशन किया था पहले टाइम में उसको लीव कर देंगे, ठीक है। विजिबल है सबको, डैश वगैरह सब दिख रहा है, ठीक है। अगर हम गुड अनिकेत गुड, तो ये क्लियर होगा, डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। और एक बार और समझ लीजिए, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले एक फंक्शन को लीव करेंगे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस जिसको लीव किया था उसका डिफरेंशिएशन इनटू जिसका डिफरेंशिएशन था अब उसको लीव कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर तीन फंक्शन रहे तो अब हम क्या कर सकते हैं उसको भी देख लीजिए, एफ एक्स एफ जी एच सिंपली एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, ये मान लीजिए तीन फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव हम ये फंक्शन देखिएगा, ध्यान ध्यान से, हम एक टाइम में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए पहले दो को लीव कर देंगे, यानी कि एफ एक्स इंटू जी एक्स को लीव कर दिया और तीसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, इंटू एच डैश एक्स, ठीक है। क्या किया हमने, दो फंक्शन को लीव किया और एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, प्लस अब क्या करेंगे, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले और तीसरे को छोड़ देते हैं, तो एफ एक्स दिस इज जी डैश एक्स इंटू एच एक्स इंटू एच एक्स एच एक्स, और प्लस अब एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, इज दैट क्लियर, से यस और नो। हाँ एग्जाम्पल देते हैं, अभी एग्जाम्पल कराएंगे, गुड। आपको क्या करना है, एक टाइम में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और जितने अदर फंक्शन, अगर मान लीजिए एन फंक्शन है तो आपको एन टाइम्स डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, बस ध्यान रखना पड़ेगा एक बार में एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके रेस्ट सभी फंक्शन को हम लोग एज इट इज लीव कर देते हैं, और फिर आगे वाले में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, अदर्स को लीव करेंगे इस तरह से, गुड। तो इसका भी हम लोग इसको यू इंटू वी फॉर्म में भी लोग पढ़ते हैं, तो उस इसको हम लोग प्राइम भी बोलते हैं, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, एच एक्स जी एक्स एच प्राइम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस डैश को हम प्राइम भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसके, अभी डिवीजन का हम लोग देख के और तब एक ही साथ इनके एग्जांपल्स करेंगे।
हाँ गुड प्रत्युष राज, गुड। हम ऐसा भी कर सकते थे, हमने बताया ना कि ये सभी बाइनरी ऑपरेशंस हैं। ये सभी क्या हैं? बाइनरी ऑपरेशंस हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन में जब भी होता है तो एक समय में दो ही के साथ वर्क होते हैं, ठीक है। तो हम भले ही आपके साथ दिखाएं कि तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ है और एक बार में एक को लीव कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम में एक ही को लीव, एक टाइम में दो ही का डिफरेंशिएशन हो रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको एक फंक्शन भी सपोज कर सकते हैं, एक फंक्शन इसको मान के इसका डिफरेंशिएशन कर लेते, और प्लस तो हमें नेक्स्ट फिर उसके बाद इसका फिर करना पड़ जाता, तो हमने एक ही साथ तीनों का कर दिया। गुड। तो तीन फंक्शंस के डिफरेंशिएशन आपको दिए हुए हैं, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पे। नाउ टॉक अबाउट डिवीजन। डिवीजन के लिए क्या होगा? डी ऑफ डी एक्स एफ एक्स बाई जी एक्स। दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन क्या है? एक डिवीजन में, एक फंक्शन डिवीजन में है, यानी एक फंक्शन दूसरे को डिवाइड कर रहा होगा और उसका हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए इस तरह से याद रखें, नीचे वाला फंक्शन बाहर होगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, ठीक है। नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, अब ऊपर वाला बाहर होगा इनटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स टू द होल स्क्वायर। क्लियर है? क्या करेंगे? गुड। नीचे वाला फंक्शन बाहर होगा, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस, ऊपर वाला फंक्शन बाहर नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एलजेब्रा क्लियर है सभी लोग को? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सभी लोग कमेंट कीजिए क्लियर है तो। देन हम इसके एग्जाम्पल्स पे जंप करते हैं। गुड। मिली, सना, प्रत्युष, इज दैट क्लियर? गुड। क्लियर है? तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स ही रहेंगे, बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आपको एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिया हुआ है, दो फंक्शन है, एक फंक्शन दो फंक्शन है और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के साथ आए हुए हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर हमें डी ऑफ डी एक्स किसका एफ एक्स का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, साइन एक्स का माइनस साइन डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स होगा, और माइनस कॉस इनवर्स एक्स का भी हमने देखा था माइनस वन। गुड, प्रत्युष राज हैज गिवन ना, फिर आपने वही एरर कर दिया प्रत्युष, इट्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, नॉट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ओके, इज दैट क्लियर? माइनस वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी कॉस एक्स प्लस वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। सभी लोगों को क्लियर है? सभी लोगों का क्लियर है? एक से यस और नो?
गुड, मिली, शना, अनिकेत, प्रत्युष, अभिषेक, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? आरो, रूपाली, रितु, गुड, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो ये एडिशन था, यहाँ पे अगर प्लस होता तो यहाँ पे प्लस लगा देते, तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ आ जाता है, दैट मीन्स कॉस एक्स माइनस वन बाई, अगर यहाँ पे प्लस होता तो, ठीक है। नाउ ये देखिए, लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, दो फंक्शन का डेरिवेटिव है, किसका किसका है, एफ एक्स के प्लेस पर लॉग एक्स है इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। एक बार ट्राई की प्रोडक्ट रूल से करेंगे, लेबनीज रूल लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, बेस क्या है देखिए। अगर एक बात क्लियर कर लीजिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन या आपको जब भी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना हो, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हो और बेस गिवन नहीं हो, तो आप ये प्री डिसाइडेड रहिए कि देयर विल बी अ बेस ऑफ ई, ओके, इज दैट क्लियर? इफ बेस इज नॉट गिवन इन द लॉगरिथमिक फंक्शन, यू कैन सपोज दैट देयर शुड बी द बेस ऑफ ई, ओके, इज दैट क्लियर फॉर प्रत्युष? ओके, गुड, प्रत्युष हैज, अनिकेत, अनिकेत सही आंसर किया है उन्होंने, सही है प्रत्युष, मिली, मिली आई थिंक, चेक योर आंसर प्लीज, आरो, रितु, कमेंट कीजिए आंसर, क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, एक फंक्शन को लीव करेंगे दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, रुचि गलत आंसर है, रूपाली गलत आंसर है, चेक कीजिए, मिली गलत आंसर है, सर आंसर वन बाय एक्स इनटू ई पावर एक्स, प्लस सी, नो नो, प्लस सी, ये प्लस सी इंटीग्रेशन में हम लोग यूज करेंगे, यहां पे नहीं। देखिए एक बार, हमने क्या बोला कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो एक फंक्शन को लीव करते हैं, सपोज किया हमने पहले फंक्शन को लीव कर दिया, लॉग एक्स को लीव कर दिया, लॉग एक्स को लीव कर दिया, तो ई टू दी पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो ई टू दी पावर एक्स ही होता है, तो इन टू ई टू दी पावर एक्स और प्लस, अब क्या करेंगे, अभी हमने इसको लीव किया था, इसका डिफरेंशिएशन किया था, अब क्या करेंगे, ई टू दी पावर एक्स को लीव करते हैं, यानी दूसरे फंक्शन को लीव करते हैं, तो पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, दिस विल बी वन बाई एक्स, सो द करेक्ट आंसर इज लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स, इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन नाउ? गुड, यस सर, और लोग, रुचि, आरव, गुड, दैट्स फाइन, तीन फंक्शन का देते हैं, इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, ट्राई कीजिए, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इसका डेरिवेटिव कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, दिख रहा है, एक्स इंटू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, ओके, डी ऑफ डी एक्स फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको, एफ डैस एक्स, सिंपली यू कैन राइट इट एज एफ डैस एक्स,
एफ डैस एक्स एक साइन एक्स सीधी पावर गुड प्रत्युष गुड आंसर अनिकेत एक साइन एक्स गुड अनिकेत करेक्ट आंसर सर आंसर होगा x into sin x into e power x plus e power x into sin x into 1 plus sin x into minus cos x माइनस कॉस एक्स नहीं होगा बेटा क्योंकि साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन नहीं होता है यहाँ पे कहीं भी माइनस साइन नहीं आएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है सिर्फ ओके सर माइनस या सिर्फ कॉस एक्स होगा माइनस कॉस एक्स आएगा माइनस नहीं सर कॉस एक्स ओके दैट्स मिली एक्स साइन एक्स कॉस एक्स गुड मिली सही आंसर है आदित्य सही आंसर है तो आई थिंक क्लियर है इतना आगे बढ़ सकते हैं अब हम लोग सो आई थिंक क्लास की भी टाइमिंग हो गई एक और एग्जांपल देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन का देखेंगे ओके कंपोजिट फंक्शन आई थिंक डिलीट हो गया है बट हमें देखना पड़ेगा क्योंकि आगे के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ठीक है ना बिना उसको डिफरेंशिएशन किए हम आगे का डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे सो हमें बेसिक एक चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन गुड कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग चेन रूल यूज करते हैं तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे एक और एग्जांपल रखते हैं ओके कूल है कोई प्रॉब्लम किसी को से यस और नो एक और प्रॉब्लम नहीं देखें एक और एग्जांपल रखते हैं आपके सामने एक और एग्जांपल देख लीजिए एफ एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 7 इसका डिफरेंशिएशन कीजिए साइन इनवर्स एक्स टू दी पावर रुचि एक्स साइन एक्स गुड रुचि थोड़ा सा और ट्राई करेंगे कि और जल्दी से हम डिफरेंशिएशन कर पाए अपने टाइम ले लिया काफी ज्यादा बट नो इश्यू स्टार्टिंग में हमें कॉन्सेप्ट चेक करना होता है तो कॉन्सेप्चुअली सही है धीरे धीरे ही सीखेंगे बट सही सीखेंगे गुड इसका कीजिए साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 7 साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्रत्युष साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओके फॉर्मूला देख सकते हैं मैंने लिखवाया था जो प्रत्युष आर यू गेटिंग माय पॉइंट गुड कर रहे हैं एक बार चेक कर लीजिए देखिए क्या होगा एफ डैश एक्स जो होगा वो देखिए नीचे वाला फंक्शन बाहर होगा दैट मींस एक्स टू द पावर 7 बाहर डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ध्यान रहे क्या बोला था हमने नीचे वाला फंक्शन बाहर हो जाता है नीचे वाले फंक्शन को बाहर कर दिया ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस साइन ठीक है जिसको बाहर किए होते हैं यानी नीचे वाला फंक्शन अब उसका डिफरेंशिएशन होगा ऊपर वाले को बाहर कर देते हैं साइन इनवर्स एक्स बाहर होगा और
7 times x to the power 7 minus 1, 6, whole divided by x to the power 7 to the whole square. ठीक है, नीचे वाला फंक्शन बाहर, x to the power 7 बाहर, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 by square root of 1 minus x square minus ऊपर वाला फंक्शन बाहर और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर. यहाँ पे हम गुड रुचि, यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, x टू दी पावर 6 को कॉमन निकालेंगे. ठीक है, क्योंकि ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो वी शुड राइट इट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म. तो x टू दी पावर 6 को कॉमन निकालेंगे तो हमें f'x जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे x बचेगा, तो x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से x टू दी पावर 7 6 तो कॉमन हो गया, माइनस 7 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x. और ये देखिए x टू दी पावर 14 है, x टू दी पावर 6 कॉमन निकल के इसको कैंसिल करेगा तो x टू दी पावर 8 होगा. सो सभी लोगों ने आई थिंक अब सही कर लिया अपने आंसर को. गुड, तो इतने तक क्लियर है आज का लेक्चर, किसी को कोई इश्यू नहीं? ठीक है, तो आई थिंक अभी हम लोग ये जो रिकॉल कर रहे थे ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही थे क्लास 11th के. ठीक है, ये अब आपको यहाँ पे बेसिक्स नहीं पढ़ने थे, हमें स्टार्ट करना चाहिए था कंपोजिट फंक्शन के साथ ही, बट कोई नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंपोजिट फंक्शन का देखेंगे डिफरेंशिएशन, एंड देन इसके बाद डिफरेंशिएशन ही हमें कंटिन्यू करने हैं 3-4 एक्सरसाइज तक. ठीक है, तो आप इतना फॉर्मूला क्लियर कीजिए, चारों जो एलजेब्रा हमने एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन आपको जो दिखाया वो क्लियर कीजिए, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो दैट्स कूल फॉर दिस क्लास. ओके ओके, आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, बाय.